हम चूक करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा जहाँ से मतलब मेरे जैसे थिंकर जो पैसा कमाते हैं हम कॉर्पोरेट शोज बहुत पसंद या फिर और जब हम यूएस जाते हैं तो बहुत अच्छे 12 दिन या कटी शोज हो जाते हैं। इंडिया में जो अभी टिकट वाला जो सीन है वो बहुत प्राइसी होता है और इससे हमें अपने फैंस को उतना ही टिकट महंगी दे देती है। वो अगर मैं प्रॉपर अपने तरीके से शो करूँ जैसे मैं शो करता हूँ तो बहुत महंगा होता है बट डेफिनेटली वी हैव टू थिंक अबाउट ऑडियंस और यहाँ पे हर तरीके की ऑडियंस होती है किसी के पास पैसा होता है किसी के पास कम होता है किसी के पास ज़्यादा होता है। आई गेस ज़्यादा वालों के लिए उन्होंने अच्छा सा टेबल बनाया बट जो रही बात मैं उनका नाम नहीं लूँगा बट इतना पॉसिबल नहीं कि 3 मिनट्स में इतनी सारी टिकट बिक रही है और अगर किसी ने टिकट के लिए दिए कोई पोस्ट नहीं कर रहा इंस्टा पे तो हवा है कि टिकट बिकी टिकट बिकी बिकी तो कोई पोस्ट ना करे कि मैंने खरीदी तो टिकट्स कहाँ बिक रही 3 मिनट में या आज हम शुरू हुए हैं हमें भी कम से कम 10-15 दिन लगेंगे इस शो को बढ़ाने के लिए और डेफिनेटली मॉडल के बारे में ज़्यादा सोचेंगे ताकि लोग ज़्यादा आए डज मैटर कि सेल उतनी हो या कम हो बट दे शुड बी है तो इतनी टिकटें बेचनी वो भी 3 मंथ्स में या 2 महीने में अगर आपने न्यूज़ बना देंगे तो मैं भी अनाउंस कर देता हूँ सोल्ड आउट शो मैं आज ही अनाउंस कर देता हूँ मैं खुद अपने बंदे लेके आ जाता हूँ 50,000 बंदे के एमएलए आता हूँ सो दिस इज नॉट गोइंग आउट इज वेरी रॉन्ग एटलीस्ट मे बी हाइप के लिए बहुत अच्छी बात है बट ऐसे पॉसिबल नहीं है। आपने बड़े 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 शोज देखे हैं जिसमें बहुत सारे एक्टर्स आए 10 एक्टर्स एक साथ आए उनकी शो की टिकटें नहीं मिलती तो एकदम से कोई आ रहा है और आते लोग जो मेरे मीडिया वाले हैं इनको पता नहीं होगा कोल्ड ड्रिंक का नाम है पूछो मैं सब को पूछने को नहीं पता हूँ जो इतने बड़े शो दे रहा है मैं 10 लोग पूछूंगा आपको पता तो पता नहीं है बट हाय शो हो रहा मैं भी मेरे 25 साल के करियर में ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई हमने ऐसी हवा में टिकने बिकते हैं आप जिसको मर्जी ले आओ हाँ आप कोई उनको एक पैकेज दो हम भी पैकेज देंगे कि जो टिक दे दिया हम उसको शूट करेंगे या हम मीडिया को साथ में जोड़ेंगे या किसी जेडी पार्टी को जोड़ेंगे दैट इज पॉसिबल बट अगर आप ऐसे ही जिसको लोगों ने नाम नहीं सुना आप बोलोगे कितने भी नहीं समझा